Another Friday, another show. Welcome to Desi Martini's special Friday Flick, where we bring you the most detailed breakdown of the Friday release along with everything that happened around the V-Town in this week. So, kahin mat jaiye kyunki aaj ke show pe hai ye sab. पद्मावत जैसी हैवी डोजेज रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस टुक अ ब्रीदर दिस वीक विद नो मेजर रिलीज. लेकिन बॉलीवुड में कुछ भी ठंडा हो सकता है, लेकिन गॉसिप की कमी कभी नहीं होती. सो लेट्स स्टार्ट द शो टुडे विद द फर्स्ट सेगमेंट गॉसिप ऑफ द वीक विद आवर गॉसिप क्वीन. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उषा और सब लोग प्यार से मुझे देसी मार्टिनी की गॉसिप क्वीन बुलाते हैं. ट्रस्ट मी, इस टाइटल से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, लेकिन बॉलीवुड में क्या गॉसिप है और क्या न्यूज, ये मुझसे अच्छा कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. एक बात बताऊं, मैंने कई बार ना गॉसिप को भी सीरियस न्यूज बना के चलाया है और लोगों ने मान भी लिया. चलिए जानते हैं बॉलीवुड के किस कोने में क्या गॉसिप चल रही है हमारे से स्पेशल सेगमेंट गॉसिप ऑफ द वीक में, जहां मैं तैमूर अली खान की बहुत सारी बातें नहीं करने वाली हूँ. बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने ट्विटर छोड़ने की धमकी दे दी, वो भी ओपनली. बिग बी बेहद नाखुश हैं, ट्विटर ने उनके फॉलोअर्स अचानक से कम कर दिए हैं. उन्होंने कह दिया है, टाइम टू गेट ऑफ फ्रॉम यू, देर आर मेनी अदर फिश इन द सी. बिग बी के फॉलोअर का काउंट 32.9 मिलियन है. अब आप सोचेंगे इसमें गॉसिप क्या है, तो जरा शाहरुख खान के फॉलोअर काउंट पर भी नजर डाल दीजिए, 33 मिलियन. जी हाँ, इसी के साथ शाहरुख खान बन गए हैं मोस्ट फॉलोअर्ड बॉलीवुड स्टार ऑन ट्विटर, जो खिताब इससे पहले बिग बी के पास था. बट पर्सनली मैं अमित जी के साथ हूँ. ऐसे कैसे यार आप इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार के फॉलोअर्स कम कर सकते हो है? सुनने में आया है डायरेक्टर कबीर खान और सलमान खान की आपस में बात नहीं हो रही है यार. लगता है बजरंगी भाईजान और एकता टाइगर जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद ट्यूबलाइट का फेलियर इनसे हजम नहीं हो रहा है. वैसे हमको फर्स्ट हैंड कोई अपडेट नहीं है, लेकिन सुनने में आया है फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच काफी क्रिएटिव डिफरेंसेस थे और पूरी यूनिट के सामने दोनों में आर्ग्यूमेंट होता था यार. और जब ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ भी नहीं कमा पाई, तो सलमान भाई को नाराज होने से कौन रोक सकता है. मतलब मोहम्मद जिशान आयुब जो रईस में शाहरुख खान के साइडकिक था, ट्यूबलाइट में वो भाई को थप्पड़ मार रहा है यार. ऐसे कैसे कोई फिल्म हिट हो जाएगी यार. रणवीर सिंह भले ही अपने खिलजी एक्ट के लिए दुनिया भर में तारीफ बटोर रहे हो, लेकिन मेहरावल रतन सिंह यानी कि शाहिद कपूर उनसे कुछ खास इंप्रेस नहीं लगते. हाल में शाहिद कपूर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर वो खिलजी का किरदार निभा रहे होते तो वो कुछ अलग तरीके से निभाते. अब ये हम जैसे गॉसिप मॉन्गर्स के लिए न्यूज है कि नहीं है. इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि शाहिद का ये रणबीर को रिस्पॉन्स है, क्योंकि रणबीर ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर उन्हें कमीने ऑफर हुई होती तो वो कुछ अलग तरीके से निभाते. मतलब यहाँ जौहर के नाम पे ओपन लेटर्स लिखे जा रहे हैं और इन दोनों का अलग ही चल रहा है. आई नो इस गॉसिप से आपका पेट भरा नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में गॉसिप के अलावा बहुत कुछ और है. सी यू नेक्स्ट वीक. फिलहाल फ्राइडे फ्लिक में आपके लिए बहुत कुछ और है. मूविंग ऑन, द ओनली रिलीज दैट सॉ द लाइट ऑफ द थिएटर टुडे वाज द दीपक डोबरियाल स्टारर कुलदीप पटवाल आयरन डोवेट. भाई हमको तो सुन के शोज नहीं मिले, लेकिन हैदराबाद से हमारे एमजे राहुल भारद्वाज ने ये मूवी देखी, तो चलिए उनको फोन लगा के पूछते हैं कि क्या कहना है उनका इस मूवी के बारे में. हाय राहुल, कैन यू हियर अस? हाय यथार्थ, या ऑफ कोर्स आई कैन हियर यू, हाउ आर यू? ऑल गुड है राहुल. सो हाउ इज द फिल्मी फ्राइडे ट्रीटिंग यू? कुलदीप पटवाल आयरन डोवेट, वेरी बैड यार. मतलब एक अच्छी खासी क्राइम थ्रिलर मूवी एक्सपेक्ट करके देखने गया था यार, और वहां फिर से वही बोरिंग ड्रैग मिला बस. So what didn't work for you really? अरे nothing worked for me यार. इस movie का जो director है रेमी कोहली, he's from UK. तो अपने international cinema के fascination के चक्कर में ना, उसने अच्छी खासी story को इतना complicate किया कि पूरा कबाड़ा कर दिया यार. और you know यथार्थ, देसी मार्टिनी MG होने के अपने benefits हैं, अपने plus points हैं यार. But पिछले एक साल में तो आपकी audience को जितने खराब movies से मैंने बचाया है ना, you guys should send me a collective thank you note, you know. And you know, this is like taking a bullet for the masses. We definitely owe you one, Rahul. Definitely, I think we owe you. But Rahul, big week next week, Padman vs. Ayyari. What are your thoughts? Mera opinion clear hai. You know, Friday morning ko main pehle Ayyari dekhne ja raha hu, aur Friday afternoon ko main Padman dekhunga. Well, let's hope ki agle hafte aapko aadha saar dene ki zarurat na pade, because we know Padmavati to didn't impress you much. अरे यार वो मुझे पता है कि ऐसे स्टार देने पे, आधा स्टार देने पे मुझे बहुत गालियां पड़ती है. मूवी यार या तो अच्छी लगती है या खराब लगती है, इन बिटवीन कुछ नहीं होता. That's fabulous, Rahul. Looking forward to reading both your reviews. But take care. Thank you so much, Rahul. All right, Yathart, and a big hello to all the Desi Martini viewers. Thank you. Our MGs are so passionate about the world of movies. They go out every week to watch every bad movie, so you don't have to. Anyway. Udhya seems ready with her highlights of the week in our next segment. Hey guys, guess who's back? This is Udhya and I'm going to bring you the top filmy highlights of this week. So, for if some reason you've missed out the major highlights, don't worry, I've got you covered. Looks like Padmavat and controversy are quite synonymous to each other. Film ke release ki pehle ki controversy abhi khatam hi nahi hui thi and post-release controversy shuru.
So, popular actress Swara Bhaskar recently wrote a long open letter lashing out at director Sanjay Leela Bhansali. She was miffed at the filmmaker for having glorified the act of Jauhar and wrote a strong headline that stated, "At the end of your magnum opus, felt reduced to a vagina." Obviously, the response to this letter was hugely divided and social media was flooded with reactions. While majority expressed its opinion, siding with Bhansali, even the stars had to come out in defense of their own film. Anyway, Padmavat, as we speak, is minting huge money at the box office and is going to soon enter the 200 crore club. And as far as the letter is concerned, I've read it and I think I'll reserve my opinions for later. Diwali 2017? No. Republic Day 2018? No. 14th April, is it? Not even that? Guys, it's not me who's confused, but the makers of Rajinikanth and Akshay Kumar starrer 2.0 are. Yeh high-budget science fiction film pehle last year Diwali pe aane wali thi, par uske baad teen baar aur delay ho gayi. The last we heard, the film was releasing on 14th April, but now it's been delayed again for another 3 months. But we forgive them. Ab bhai, 400 crore ka budget ho, to post-production mein time to lagega hi na. जहां पद्मावत इंडियन बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर रही है, वहीं ये वीक इंडियन मूवीज के लिए इंटरनेशनली भी बहुत स्पेशल रहा है. यस, आमिर खान सीक्रेट सुपरस्टार हैज अर्नड, वेट फॉर इट, 500 करोड़ एट द चाइना बॉक्स ऑफिस. आई मीन वी नो ही इज अ सुपरस्टार इन चाइना, बट 500 करोड़ एंड स्टिल काउंटिंग, 60 करोड़ इज व्हाट द फिल्म मेड इन इंडिया. On the other hand, Anushka Shetty's Telugu release Bhagmati is also faring pretty well in North America and Canada. Padmavat bhi North America and Australia mein highest grossing Bollywood movie banne wali hai. Lagta hai Karni Sena ki overseas wings aur jagah pe utni active nahi hai. There's a good news for all you Mission Impossible fans out there. The lead actor Tom Cruise recently joined Instagram only to announce the title of Mission Impossible 6, which is Mission Impossible Fallout. That's so Tom Cruise. Bus guys, that's all I have for you in this segment of Friday Flicks. But there's a lot more in store, so keep watching. Over to you. Want to know the box office status of Padmavat? So let's move on to our next segment. We knew a week just wasn't enough for a big film like Padmavat to enter the safe box office zone. But Sanjay Leela Bhansali must be thanking his stars that he's got another clear week ahead. With no other major releases scheduled for today, Padmavat has still another chance of hitting it big at the box office. However, let's take a look at it in a little more detail. Having made close to 160 crores in its opening week alone, Padmavat clearly has the makings of a hit. Apne opening weekend mein 100 crore kamane ke baad bhi, ye ekdam zaruri tha ki ye film apna momentum weekdays pe bhi jari rakhe. And thankfully, this is the case. Of course, hum jante hain ki is film ka cost kya tha. And keeping that in mind, it will take a whole lot more for Padmavat to be declared a hit. By the way, did you know that Padmavat's first week opening collections have already crossed those of Bajrangi Bhaijaan, Dhoom 3 and even PK? Even if the film manages to do 40% of its opening week business, it will hit the 250 crore mark, which means it can finally be declared a hit. Going by the trends, film ke peeche craze to kafi zyada hai, and this only means that the momentum will continue towards its second weekend. But being Desi Martini and the movie buffs that we are, we can tell you safely right now itself that this film will definitely be a hit. Let's see what the film has in store for this week, because uske baad aa rahi hai Padman and Ayari. And that's all we have for you in today's box office segment. Well, celebs don't have any new controversy or new movie to react to, but the social media is always buzzing. So let's take a look at the Twitter highlights of the week in our next segment. We must not lose faith in ourselves. We can do better. We must do better. Remembering the Mahatma on his 70th death anniversary, his words resonate even more in our world of today. Mujhe mera award mil gaya. Counting down, hashtag Razi. Union budget disappoints Bollywood as Arun Jaitley gives film fraternity a miss. So that's all we had in this episode of Friday Flicks. But like always, we'll leave you with some trivia in our last segment. Shah Rukh Khan and Aamir Khan almost came together to star in Rajkumar Santoshi's ambitious project Rush in early 2000s. However, things couldn't work out and the project was later shelved. The same subject was later taken up by filmmaker Vipul Amritlal Shah and the film was given a different title and it was London Dream starring Salman Khan and Ajay Devgan. So guys, this week there was no major release, but the next week there are two big films. Akshay Kumar's Padman is clashing with the Neeraj Pandey directorial Ayari. So do check out our most detailed coverage on both the movies only on Desi Matni. Also, if you watched Padmavat and have still not rated and reviewed the movie on Desi Matni, do it now. Just remember, critics don't review a movie, audiences do. See you next week.